हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सूजी की मसाला पूरी बनाएंगे जो खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। चलिए अब हम लोग हमारी सूजी की मसाला पूरी बनाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग एक बाउल, एक कटोरी सूजी लेंगे, एक कटोरी बेसन लेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी लेंगे कलर के लिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसका एक डो लगाएंगे। देखिए डो लग के तैयार है हमारा 10 मिनट के लिए। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारा डो देखते हैं। डो हमारा लग के तैयार है। हल्का सा ऑयल लगा के हम लोग इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमारे आटे को सॉफ्ट कर लेंगे लोच लगा के। देखिए फ्रेंड्स, हल्के हाथों से हमें हमारी पूरियों को बेलना है। तेल गर्म हो चुका है हमारा। मीडियम फ्लेम पे हम लोग हमारी सूजी की मसाला पूरी को बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। सफ़र में बनाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है। 2 से 3 दिन के लिए आराम से चल जाती है ये पूरियाँ और ये खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। देखिए फ्रेंड्स, सूजी की हमारी मसाला पूरी बनके एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप इसे आलू की सब्ज़ी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं खीर के साथ हमारी मसाला पूरी को सर्व कर रही हूँ।